हेलो व्यूअर्स, आज शोभा पुरवाल्स किचन में हम बनाने जा रहे हैं चने का प्रसाद। चने के प्रसाद के बिना अष्टमी और नवमी का पूजन नवरात्रों के समय में अधूरा रह जाता है। चने का प्रसाद बनाने के लिए आवश्यक है चना, नमक, हींग, जीरा, तेजपत्ता, हरा धनिया और तेल। हम बनाने जा रहे हैं चने का स्पेशल प्रसाद। चने का स्पेशल प्रसाद बनाने के लिए हमें चनों को रात में पानी में भिगो देना है। ये एक बाउल चना है, इसे हम कम से कम 3 से 4 बाउल पानी में भिगो देंगे। ओवरनाइट सोक होने के बाद इन्हें हम सुबह प्रेशर कुकर में 3 सीटी आने तक बॉयल कर लेंगे। 3 सीटी आने के बाद हमारे चने कैसे दिखेंगे। ये बॉयल चना है, अब हम इससे प्रसाद बनाएंगे। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करके हम थोड़ा तेल कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा तेल डाला, बहुत ज्यादा तेल नहीं डाला है। 1 टेबल स्पून ऑयल है। इसमें 2-3 ड्रॉप या 1/4 टीस्पून घी, इससे प्रसाद के टेस्ट में और सौंधापन आ जाता है। तेल गर्म होने पर हम उसमें 2 तेजपत्ता, 2 हींग, हींग कम ही डालेंगे क्योंकि ये प्रसाद कंचकों के लिए होता है और हो सकता है उनको यह खुशबू पसंद ना आए। गैस बंद कर देते हैं ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब हम हींग डाल देंगे और 1/2 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी और इन चनों को डाल देते हैं। मसाले डालते वक्त हम गैस को बंद कर देते हैं ताकि जो भी हल्दी डली हुई है, हींग जीरा डला है, वह जले नहीं। अब इसमें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक। नमक और हल्दी डाल के हमने चनों को बॉयल किया है, इसलिए नमक डालते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नमक ज़्यादा ना हो, इसलिए हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डाला है। ये देखिए, थोड़ा 2-3 मिनट हम इसे भूनेंगे, हमारा प्रसाद तैयार है। कितने कम समय में यह तैयार हो गया है। थोड़ा सा धनिया हम ऊपर से छिड़क देते हैं, बहुत ज़्यादा धनिया भी हम इसको नहीं डालेंगे क्योंकि कंचकें जो आती हैं हमारे यहाँ अष्टमी और नवमी के दिन, वे हो सकता है ज़्यादा धनिया पसंद ना कर, इसलिए कम धनिया ही हमने डाला है, मिर्च हमने इसमें नहीं डाली है। अब इसे हम थोड़ा ढक देते हैं और 1 मिनट के बाद हम आँच बंद कर देंगे, हमारा यह प्रसाद तैयार हो जाएगा। 1 मिनट हो चुका है, हम आँच बंद कर देते हैं। देखिए, हमारा प्रसाद तैयार है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे।
यह देखिए हमारा प्रसाद बनके तैयार। बहुत ही जल्दी यह प्रसाद बन गया है। उम्मीद है आपको यह स्पेशल चने का प्रसाद पसंद आया होगा।